अनुराग भाई कहना है कि आप किसी भी सामाजिक टॉपिक पे आप बोले और एक एडिटर्स च्वाइस करके उनका चलता है, चलाते हैं वो पत्रकारों का, तो मैं किस टॉपिक पे बोलूँ? टॉपिक वही है आजकल का हॉट टॉपिक जो काफ़ी समय से है, कोरोना। मेरे पीछे किशोर कुमार हिट्स लगा हुआ है, मैं सुन रहा था कि जब दुख हो, ट्रेजिडी हो हर तरफ, तो आपको कोशिश करना चाहिए खुश रहें। पॉजिटिव थाट्स आपको बड़ा बनाते हैं, आपको मोटिवेट करते हैं, आपके जीवन में ऊर्जा भरते हैं। तो मैं आज किशोर कुमार को सुन रहा था और इसी दरमियान मुझे लगा कि अपनी बात भी कर लेनी चाहिए। मैं जहाँ पे हूँ, नोएडा वेस्ट में गौर सिटी में रहता हूँ, मैं फिफ्थ एवेन्यू में। तो इस फिफ्थ एवेन्यू में आज एक कोरोना पॉजिटिव मिला है हम लोग के ठीक बगल के टावर में, तो दहशत है काफ़ी यहाँ पे लोगों में। और दिल्ली की खबरें आप लोग सुन ही रहे हैं कि दिल्ली, गाजियाबाद, हर जगह की, अब वहाँ पे लाशों को प्रॉपर जलाने क्रियाकर्म के लिए स्पेस नहीं है, लोग नहीं हैं और इतनी इस कदर मौतें हो रही हैं। और हर आदमी सशंकित है, हर दूसरा आदमी दिल्ली में करियर है, कोरोना का करियर है, कोरोना को लेकर टहल रहा है। तो ऐसे दौर में जबकि हर तरफ एक नकारात्मक भाव है, आपके भीतर सकारात्मकता कैसी बनी रहे, बची रहे, ये एक बड़ा मुद्दा है। और अभी सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड किया, उसको लेके काफ़ी बड़ी बहस चल रही है हर जगह, काफ़ी लोगों ने लिखा है, सोशल मीडिया रंगा पड़ा है और अलग अलग एंगल आ रहे हैं। लेकिन ये सच है कि सुसाइड जो है एक बहुत ही अंतहीन कुएं में घुसा हुआ व्यक्ति ही करता है जिसको कोई रास्ता नजर ना आए। और कई दफ़े हम जब खुद को नियंता मान लेते हैं कि मतलब हम ही प्रभु हैं, हम ही ईश्वर हैं, हम ही सब कुछ हैं और हमें ही तय करना है और हमें ही लग रहा है कि अब कोई रास्ता नहीं है, तो ये गलत है। मुझे लगता है कि ये धरती ब्रह्मांड जो है किसी एक मनुष्य के द्वारा पैदा किया गया नहीं है, हम उसमें मोहरे हैं, हम उसमें न जाने कब कैसे आ गए और न जाने कब कैसे चले जाएंगे। तो हम यहाँ पे जैसे भी हैं, हमें बहुत ज़्यादा जिद नहीं करनी चाहिए कि हमें अब अंधेरा दिख रहा है, अब हमारा कोई मंजिल नहीं है, रास्ता नहीं है। मुझे लगता है कि हमें अपना काम करना चाहिए, काम इन सेंस कि हम जिस क्षण में हैं उस क्षण को कैसे हम खुशहाल बनाएं। हमें छोटी छोटी चीज़ों में खुशी खोजनी चाहिए। मैं जब कपड़े धोता हूँ, कपड़े 3-4-5 इकट्ठे कर लेता हूँ और उस पर जब धोता हूँ तो मैं उसके ऊपर डांस करता हूँ चढ़ के, ताकि धुलाई प्रॉपर हो जाए। तो मैं पैर दोनों रख के उसके ऊपर कूदता हूँ, मुझे आनंद आता है। अब छोटे से कपड़े धोने जैसे काम में आप आनंद ढूंढ लो। अगर आप, मैं सुबह उठता हूँ तो सामने जो भी सब्जी दिख जाती है, भिंडी हो या लौकी हो या नेनुआ हो, उसको मैं काटने लगता हूँ, फिर मैं छौंक देता हूँ, मैं चलो एक सब्जी मैं आज बना देता हूँ। शाम को मैं 1 घंटे बेवजह टहलता हूँ। तो आप छोटी छोटी चीज़ें कीजिए। बहुत बड़ी चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें सफलता नहीं मिल पा रही है, उसमें आप परेशान हैं, उसमें आप दुखी हैं, उसके लिए आप बिल्कुल सिर फोड़े हुए हैं, हिलाए पड़े हैं दुनिया को, दुनिया हिल नहीं रही है, आपको फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, आप डिप्रेशन में जा रहे हैं, क्या मतलब? आप अपने तत्काल के जीवन के तत्काल के क्षण को सुख में रखिए, आप आनंद से सो जाइए, क्योंकि आपको प्रॉपर नींद की ज़रूरत है। आप आनंद से जो है टहल लीजिए, आप आनंद से बात कर लीजिए। बहुत ज़्यादा पैसे इस दुनिया में ज़रूरत नहीं है, ज़रूरी नहीं है। आप देखिए, मनुष्य के अलावा जो बाकी जानवर हैं वो कहाँ पैसे लेकर घूमते हैं, पर्स लेकर घूमते हैं? वो तो बस दिन भर खाने खोज में रहते हैं, खाना मिल गया सो जाते हैं आराम से, नहीं खाना मिला तो खोजते रहते हैं। तो हमें लगता है कि जो जंगल लाइफ है, जो गैर मनुष्यों का जीवन है, जो संविधानेतर जीवन है, उसको भी बहुत ऑब्जर्व करना चाहिए, देखना चाहिए। और ज़रूरी नहीं कि हमारे दिमाग में जो समाज ने भरा है, संविधान ने भरा है और जो किताबों ने भरा है, उसी को ही हम मंजिल और मकसद और सब कुछ मान लें। हमें अपने विवेक का भी इस्तेमाल करना चाहिए और कोरोना के इस दौर में सतर्क रहिए, सेफ रहिए। और कोरोना हो भी जाए तो डरिए मत उससे, उसका प्रॉपर इलाज नहीं है। इलाज वही है जो आप बुखार में करते हो, आप विटामिन सी की दवाएँ लेते हो, आप जो है डोलो लेते हो और इस तरह की चीज़ें आप करते हो जिससे आपको आप बुखार कम होता रहे और एक कोर्स है और आप ठीक हो जाते हो। बहुत सारे पत्रकार मित्र यहाँ पे नोएडा दिल्ली में जो कोरोनाग्रस्त हुए और बहुत आराम से ठीक होकर घर आ गए। तो इसको बहुत हुआ ना माने, ये एक ऐसा साथी है जिससे हमको मुकाबिल होना है, हमें उसको अंगीकार करना है, गले लगाना है। तो ज़्यादा अच्छा हो कि हम खुशी खुशी उसका इस्तकबाल करें, स्वागत करें, वेलकम करें और उसको अपने में समाहित करें और उसे अपने उसको हम अपने में से मुक्ति दे दें। हम मुक्त ना हो जाएं, उसे मुक्ति दें अपने में से और हम कोरोना से लड़ चुके एक योद्धा बन जाएं। तो मैं अनुराग भाई के अनुरोध पे ये वीडियो दे रहा हूं और चाहूंगा कि अब वो एक सेशन कराएं डिप्रेशन पे और खासकर नकारात्मक भाव पे, क्योंकि जो कोरोना का समय है
उसमें बहुत सारे लोग दहशत में डरे हुए हैं। तो और दिल्ली में खासकर जो मौतें ज़्यादा हो रही हैं वो दहशत के मारे हो रही हैं। अभी मेरी कई ढेर सारे अफसरों से बात हुई, अभी मैंने इंटरव्यू भी किया था एमपी सिंह जी का, जो आईएएस रहे आजमगढ़ में जिलाधिकारी, तो उन्होंने कहा कि ये दहशत में अगर जो आ गए वो परेशान हो जाते हैं, ये बहुत ही आराम से ट्रीटमेंट हो जाता है इसका, आप इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग रखें और अपनी लाइफ स्टाइल को ठीक कर लें, बहुत आराम से आप जो है कोरोना को हरा देंगे। तो बस मैं यही कहना चाहूँगा, ताज़ा मुद्दा है कि बी पॉजिटिव, सकारात्मक सोच रखिए, सहज रहिए, बहुत प्लानिंग मत करिए भविष्य की, बहुत अतीत को लेके बहुत आंसू न बहाइए, वर्तमान जो है उसमें आप खुशहाल रहने की कोशिश करें, मस्त रहें। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।